तो सच में बहुत खा रहा है। नमक नमक है। चलो देख लो भाई, शाम होने वाली है। शाम जैसे जैसे होती है लहरें और बाहर आने लगती हैं। उससे पहले पहले चल लेते हैं, फिर रात को डर लगता है मेरे को। Maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. But they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? यार अभी तो सुबह आऊंगा, यहाँ पे कोई लाइटिंग भी कम हो गई है। बाकी ये देखो, ये है अपना होटल जो ओशियन सी साइड लिखा हुआ है। ये है माली बेस्ट और यहाँ पर मेरा रूम है इन पेड़ के पीछे। और ये है ओशन, मतलब इतना पास रूम लिया है, एक दिन के लिए लिया है और अब मैं कहीं जाऊँगा भी नहीं। अब काफ़ी दिन हो गए, वैसे ही बहुत लंबी ट्रिप हो गई है। मैं तो सोच रहा था पहले की टिकट करवा के घर वापस चला जाऊँ, पर अभी नहीं। अब मैं बचे हुए कुछ दिन यहीं पर हूँ। टोटल 11 दिन की ट्रिप है मेरी थी, मतलब अब आज है संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की मेरी रिटर्न फ्लाइट है। तो मैं लंकावी तो बहुत बड़ा है पर मैं घूमने नहीं वाला। अब जीप यहीं पे बीच पे रिलैक्स करूँगा, बस शायद होटल चेंज करूँगा एक बार, इतना अच्छा ही लगा। वैसे भी चाहिए होटल चेंज करते रहना चाहिए, होटल में घर थोड़ी है बसना है। चलो बाकी एक आराम से आप व्यू एंजॉय कर लो बीच का। मेरा फर्स्ट बीच एक्सपीरियंस है ये, वो भी इंडिया से बाहर। हो सकता है इंडिया वाले जो गोवा और मुंबई वाले भी इतने अच्छे होते हों, पता नहीं, लेकिन ये साफ बहुत है। हो सकता है इंडिया वाले भी साफ हों, मुझे नहीं पता। यहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमन वेस्ट नहीं है, मतलब जो भी कोई कूड़ा है ये समुद्र से ही आ रहा है, इंसान कोई कूड़ा नहीं फैला रहे यहाँ पे। बाकी एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मिट्टी है, आपको मिट्टी लग रही होगी, ये सारा ना पिसा हुआ शेल है। ये सब छोटे छोटे जो है ना, ये शेल है, जो शेल होते हैं वो वाले। तो ध्यान से एक पास से दिखाता हूँ, ये पूरा बीच इसी का है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए हैं। शेल जो होते हैं घर में हमारे रखे होते हैं ना, शंख जैसे, शायद सीप पे होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, वो वाले शेल है, पूरे टूटे हुए हैं। मुझे नहीं पता सब बीच पे ऐसे होता है या यहाँ पर है, पर ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो पूरे में जैसे मार्बल टाइप आपको लग रहा होगा, ये मार्बल नहीं है, ये शेल है सारे। कुछ कुछ फिशेस के मुझे पार्ट भी लग रहे हैं, लेकिन मोस्टली वो ही शेल हैं। जैसे कि हम घर पे आपको उठा के दिखा दूँ, ये देखो ये पूरे में यहाँ पे फैले हुए हैं, ये पूरे इसी का चूरा है ये पूरे में। बाकी एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी, मुझे नहीं पता ऐसी होता है या नहीं होता है, जैसे जैसे शाम हो रही है समुद्र का पानी ठंडा होता है क्या? किसी को पता हो तो बताना, मेरा तो फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता, आप लोग बताना। कल कोशिश करूंगा, क्योंकि अब यहीं पे होटल ले लिया है, कल सुबह सुबह आऊँगा। सनराइज कैसा होता होगा पता नहीं यहाँ पे, पर वो देखूंगा। धूप में आऊँगा कल यहाँ पे, धूप में मज़ा आता है, क्योंकि दोपहर में थोड़ी देर आके बैठा था, बहुत मज़ा आया था। देखो एक ये पड़ा है, इससे समझ में आएगा आपको क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। कुछ होता तो नहीं है इसके अंदर? नहीं, खाली है। ये देखो है ना, अच्छा कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा मिट्टी थी ये, अच्छे लग रहे हैं ना, उठा के ले जाऊँ दो चीज। ये देखो, ये मुझे थोड़े फिश के पार्ट लग रहे हैं। चलो यार, मैंने तो टी शर्ट पहन ली, बाकी शरीर पर जहाँ जहाँ चोटें थी ना, बस चोट के छोटे छोटे दाने टाइप के, बहुत जलन हो रही है उस पर। नमक का था ना ये, पूरे पैर में भी नीचे मेरे छाले टाइप पड़ रहे थे,
पूरे में चुभ रहा है, जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, जलन हो रही है पूरे बॉडी पे। चलो यार चल रहे हैं, थोड़ी देर पूल में नहाऊंगा, पूल में भी नहाऊंगा फिर होटल जाके भी नहाऊंगा, पता रूम पे जाके चुभ रहे हैं, नंगे पैर चलने पे चुभ रहे हैं। तो ये आ गया मैं अपने होटल रूम पे, ये है बीच और ये है मेरा होटल का स्विमिंग पूल। यहाँ पे पहले हमें बाथ लेना है, फिर जाएंगे स्विमिंग पूल के अंदर। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel his tense, don't know.
the consequence. The volatility of life, my only confidence. ये आया है मजा भाई, देखो ये स्विमिंग पूल कह रहा हूँ, नेचुरल स्विमिंग पूल है, समुद्र है, नमक वाला। चार पांच बार नहा लिया मैं आज, इसमें नहा लिया, एक बार उस शावर में नहा लिया, एक बार इस पूल में नहा लिया, एक बार रूम में जाके नहाऊंगा। अब आ रहा है, अब ऐसा लग रहा है मलेशिया में आया हूँ। वो तो कॉन्क्रीट जंगल था, कुआलालंपुर, मलैको अच्छा था, मलैका अच्छा था, सबसे बेस्ट है लंका भी। मैं लंका भी रिकमेंड करता हूँ। ये देख रहे हो उंगली कैसी हो गई मेरी, कितना नहा नहा के। सबसे पहले मैं मेरे हिसाब से लंका भी आना चाहिए, लंका भी टाइम स्पेंड करो, उसके बाद टाइम बचे तो बाकी कुआलालंपुर वगैरह जाओ। क्योंकि मैं अब इतना थक गया हूँ, लंका भी घूम नहीं पाऊंगा, और लंका भी घूमना चाहिए था। अब मैं नहीं घूमूंगा, अब मैं रेस्ट करूंगा, ऐसी होटलों में घूमूंगा, अब यही लाइफ जीऊंगा, होटल वाली। मज़ा आ रहा है, अभी पर मेरा तो मन नहीं कर रहा है जाने का। अब एक बार रूम पे चल के भी नहाना पड़ेगा, क्योंकि पूल में नहाया है। वैसे तो शावर ले लिया यहाँ पे भी, और रूम पे चल के भी नहाना। तो यार वहाँ से तो मैं आ गया हूँ, अभी अपने रूम पर आ गया हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद देखता हूँ, अगर शाम को निकलना होगा तो निकलूँगा, और कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे। बाकी एक चीज़ मुझे बतानी थी आपको, एक यहाँ पर मलेशिया में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि पानी बहुत लिमिटेड देते हैं यहाँ पे, मतलब दो बोतल पानी देते हैं छोटी वाली, इतनी तो मैं आती पी जाता हूँ, उसके बाद कहते हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि छोटा मोटा मैंने रूम लिया, अच्छा खासा रूम लिया है। तो जैसे मैंने आपको वाले कुआलालंपुर में जब रुका था, मैं उस होटल में भी दिखाया था कि एक बार ही उन्होंने पानी दिया, उसके बाद बोला कि हम अगले दिन सुबह देंगे। ये चीज़ इन्होंने बोली, मैं इनसे उम्मीद नहीं कर रहा था कि अच्छा खासा बड़ा होटल है, इन्होंने अच्छा खासा चार्ज किया है, अप्रॉक्स 3500-4000 रुपये के आसपास इनकी स्टार्टिंग। मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिला है, मैं एक्यूरेट बताऊंगा कितना है, बाकी इतना मतलब 3500-4000 रुपये के बीच के रूम में आप सिर्फ दो बार एक दो बोतल दे रहे हो एक बार, ये तो मैंने अभी जस्ट कहीं से लेके आया हूँ मांग के। बाकी उन्होंने सिर्फ यही दो बोतल दी थी, उन्होंने बोला कि अगली दो बोतलें हैं हम कल देंगे। ये थोड़ा सा मुझे वेट लगा यार। दूसरा चलो एक बार मैं आपको फिर से शाम का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो ये रूम के बाहर का ये सी है, बाकी ऐसा कुछ व्यू है रूम का बाहर का, एंड रूम के अंदर आई थिंक मैंने दिखाई दिया था पूरा, फिर भी आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये चीज़ थी यहाँ पर, ये चेयर, ये मैंने कपड़े वपड़े सुखा रखे हैं चेयर पे धूप के लिए, ये सब मेरे सामान पड़े हैं, प्लीज़ इग्नोर। ये मिनी बार है, यहाँ पे लॉकर दिया है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस, और ये चीज़ें करने पर चार्ज करेंगे ये लोग। ऐसा बाथरूम है, काफ़ी बड़ा है, इग्नोर माई थिंग्स, धो के डाला है मैंने, बाकी ऐसा कुछ रूम है, ठीक है, अच्छा रूम है, रूम ठीक है, लेकिन मुझे सही बता रहा हूँ कि जितना इन्होंने चार्ज किया उस हिसाब से मुझे ये रूम नहीं लग रहा, जिस हिसाब से ये चार्ज कर रहे हैं बिल्कुल नहीं है। मतलब इससे अच्छा रूम वो था, 1500 रुपये का मिला था मुझे वो कुआलालंपुर में, कितना अच्छा रूम था जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इसलिए मैं डेली रूम चेंज करता हूँ, डेली होटल चेंज करता हूँ, उससे आइडिया रहता है। चलो कोई बात नहीं, बाय 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 बाय, क्या थोड़ी देर में मिलते हैं। लो एक और चीज़ मैं नोटिस करी, इतना अच्छा रूम जिस हिसाब से उन्होंने लिया है, बेड के पास सॉकेट ही नहीं है, दो बटन है यहाँ पे, कुछ केबल का है और सॉकेट नहीं है, मतलब फ़ोन अगर आप चार्ज करके चार्ज करते टाइम यूज़ करना चाहो तो नहीं कर सकते, बाकी ये चीज़ें ख़राब है। आवाज़ आएगी आपको, देखो सुनो, लो चल गई, चलो चल गई, ख़राब थी अभी तो, चल नहीं, आवाज़ें कर रही थी, चल नहीं रही थी, बाकी यहाँ पे दिया है, मतलब मैं खड़ा खड़ा चार्ज करना पड़ेगा मेरे को, तो ले भी झेल लेंगे। अब कल के लिए रूम बुक करता हूँ अच्छा सा। तो यार अभी मैं जस्ट ऐसे ही बाहर बालकनी में देखने के लिए गया था कैसा मौसम हो रहा है, और मैं देख के हैरान रह गया, आपको दिखाता हूँ एक बार, ये चीज़ देखना, ये इस टाइम सनसेट का टाइम है, और व्यू देखो आप, अभी थोड़ी देर में मैं आपको चल के बाहर से भी दिखाऊंगा, कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा। अभी थोड़ी देर में चल के मैं अभी बीच पे चलूँगा, वहाँ से आपको दिखाऊंगा टोटल। हमारी थोड़ी सी और ऊपर की होती ना, अगर और जो रूम है थोड़ा ऊपर का होता तो और अच्छा व्यू आता ऊपर से।
चलो भाई निकल रहा हूँ, हल्का फुल्का बाहर जा कुछ खाएंगे, बाहर जाऊँगा और कैश विड्रॉल करना है, कैश भी ख़त्म हो रहा है मेरा। चलते हैं बाहर एक बार और आपको दिखाऊंगा रात का बीच कैसा है यहाँ का, थोड़ा सा रात का नज़ारा दिखाऊंगा। चले चलो। तो यार ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में आया था मैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है मुझे, ऑनियन डोसा मंगवाया है मैंने, ऑनियन डोसा 7 रिंगिट का, ये 7 रिंगिट का है। अच्छा रेस्टोरेंट है, खाता हूँ। अच्छा खाना था, मतलब पहले स्टार्टिंग में थोड़ा मसाले कम लगे, स्पाइसेस कम था, पर टेस्टी था, काफ़ी इनफ भी था। इन्होंने कितने का दिया? 7 रिंगिट का दिया है। अच्छा खाना था, टेस्टी है। मैं रेस्टोरेंट दिखाता हूँ कौन सा है, बाकी पेमेंट कर देता हूँ उनसे पहले। मतलब पहले फीका फीका सा लग रहा था स्टार्टिंग में मेरे को, लेकिन फिर खाते खाते अच्छा लगने लगा। दूसरा, इंडियन खाना तो हर जगह अच्छा लगता है, खाना अच्छा था। बाकी मैं भी पैसे निकलवाने गया था, बताता हूँ बाहर चल के। चलो तो यार यहाँ पर अभी मैं आया था बीच पे और मैं देख के हैरान रह गया। मैं तो जो मूवीज वगैरह में देखते थे ना, वो देखो सामने, लग रहा है ना सुंदर सुंदर, देखो कितना लग रहा है। यहाँ पे किसी की टेबल्स अरेंज कर रखी हैं, यहाँ पे इतना अच्छा शोर आ रहा है, यहाँ पे कुछ यहाँ इनका कुछ चल रहा है आग वाग से, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ ये चीज़, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये वाला रिजॉर्ट मैं कल बुक कर रहा था, जो फिर मैंने किया नहीं था, ये तो 500 रुपये महंगा निकला था। अच्छा है पर ये, अब देखो देखो इन्होंने टेबल सेट, पूरी टेबल सेटअप कर रखी है, शायद डिनर के लिए होगी किसी के लिए, या तो स्पेशली करवाई होगी या ये करते ही होंगे रात को, पर बहुत सुंदर लग रही है। अभी बीच में आपको बात दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे चीज़ें दिखाता हूँ क्या क्या हो रही है रात को, क्या क्या होता है यहाँ पे। बाकी आवाज़ आपको आ ही रही होगी, देखो रात में भी ये पतंग उड़ा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ मार्केट से लगा रखी है, सामने वो आग से खेल रहा है, ये पतंग उड़ा रहे हैं, देखो ये उड़ा रहे हैं पतंग यहाँ पे। यहाँ मिल रही है पतंग, आप खरीद के उड़ा सकते हो। अच्छा ये देखो वो जो हमने हाउसफुल मूवी में देखा था आग पे चलने वाला, शायद वो है, क्या बना रहे हैं पता नहीं। ओ ये क्या आया, ये देखो ये देखो ये देखो, तो ये गेम्स चल रहे हैं यहाँ पे, गेम्स के एंटरटेनमेंट की चीजें हैं। सामने देखो वहाँ पे लाइटिंग वगैरह हो रखी है काफी अच्छी, मतलब रात को तो बिल्कुल ही नज़ारा चेंज हो जाता है। कल रात को भी मैं आया था पर काफी आगे था तो चीजें देख नहीं पाया था, अब देखो रात में समुद्र कैसा लगता है, अलग ही आवाज आ रही है, शांत है और आवाज भी है, मतलब बहुत प्यारी आवाज है। अगर आप यहाँ तो खरीदे रिलैक्स करना चाहो, बैठना चाहो, बहुत अच्छी जगह है। पीछे एंटरटेनमेंट भी है, आगे ये शोर है पानी का, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वाओ लिटरली वाओ, अब समझ नहीं आ रहा कितनी वीडियो किस किस की कहां कहां से बनाऊं, इतनी अच्छी अच्छी चीज, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। वो शायद कैमरे में आप जज नहीं कर पाओगे, मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन सच में नेकेड आई से बहुत प्यारा लग रहा है। मैं भी बैठूंगा थोड़ी देर यहाँ पे, आधे घंटा यहाँ आराम से बैठूंगा शांति से, अब यही करना है, अब मुझे यही करना है। काफ़ी घूम लिया मैं मलेशिया, कुआलालंपुर, मलाका, सब अच्छा था सब, लेकिन जो बात लंकावी में है वो पूरे मलेशिया में नहीं है। यही है पीसफुल जगह, यही है, मुझे पहले यहाँ आना चाहिए था, लेकिन सही भी है मैंने सारी मेहनत थोड़ी जगह पहले कर ली और अब रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, इसलिए मैं पूरा आइलैंड घूमूंगा नहीं। आइलैंड में क्या होगा, जगह जगह यही चीज़ें होती हैं, अलग अलग नाम के बीच हैं, अलग अलग पहाड़ हैं और बोट वगैरह होता है जो उसके अंदर से निकाल के लेके जाते हैं, पर इतना टाइम हो गया मुझे घूमते हुए, अब मैं थक गया हूँ। लो मैं मुड़ा ही था और पीछे क्या शुरू हो गया, तो मैं भी वही कह रहा था मैं अब थक गया हूँ, अब मैं करूँगा रेस्ट, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मेरे 11 दिन की ट्रिप थी,
आज शायद 7वां या 8वां दिन है, वेडनेसडे को वापस जा रहा हूँ मैं। ये देख लो भाई क्या हो रहा है। ये बाकी एक और चीज, मैं अभी विड्रॉल करवाने गया था, पैसे विड्रॉल करने गया था, वो हुए नहीं। पूरा सारा प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो गया और पैसे नहीं निकले। पता नहीं क्या क्या सीन था। और 15 रिंगेट का फीस आ रही थी, वो बाद में बताऊंगा आराम से, फीस आ रही थी विड्रॉल करने में। देखो देखो ये देखो, वो मैं बाद में बताऊंगा पैसों वाली बात, पहले आप ये देखो आराम से। ये नज़ारा होता है यहाँ पे, ये चीज़ है। आप इसे नाइट लाइफ कह सकते हो, बीच की, लंकावी की, मलेशिया में शांति से बैठना है तो वहां पे टेबल्स लगा रखी है उन्होंने डिनर करने के लिए। और कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए है तो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। और शांति चाहिए, कुछ अच्छा देखना है तो नेचर देखो। अरे यार जब भी कैमरा घुमाता हूँ आग निकाल देता है। आराम से बैठना है तो यहाँ बैठो। चलो अब थोड़ी देर ऑन ही रखूंगा, ऊंची वाली आग निकालता है ना वो दिखाऊंगा। ये मुंह से निकाल रहे हैं ये लोग, अच्छा ये मुंह से नहीं निकाली, निकाली है पता नहीं, मैं देख नहीं पाया, वीडियो में देखूंगा बाद में। तो यार ये देखो वहाँ पे तो लाइट्स थी, अंधेरे में कैसा लगता है समुद्र। और अभी ये आ गया मेरा जो रिजॉर्ट है, यहाँ पे रुका हुआ हूँ मैं। और ये ठीक सामने ही नज़ारा है, कितना एक तरीके से डरावना सा भी लग रहा है। रात को आके बैठूंगा, आधी रात को आऊँगा यहाँ बैठने के लिए, जब बिल्कुल ही खाली हो जाएगा ना अलग ही मजा होगा। अभी बैठा काफ़ी देर, आधा एक घंटा में यहीं बैठा हुआ था। अभी बहुत ही अलग नज़ारा है, बिल्कुल शांति, अब नहीं मन कर रहा कहीं पे कुछ जाने का, कुछ करने का। One else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger.